अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम मैम। आवाज आ रहा है मेरी सबको? यस मैम। आज मैं भी घर से क्लास ले रही हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, इंटरनेट का या आवाज का कोई इशू हो तो। ठीक है, ओके मैम। आज मैं भी तुम लोगों की तरह बिस्तर से उठ के क्लास ले रही हूँ, सोई हुई। अच्छा, आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने नी एनाटॉमी पढ़ी थी, नी पैथोलॉजीज जो है ना, वो आज हम लोगों ने कवर करनी है, तो इसलिए थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है आज। तो कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि आगे आ जानी है छुट्टियां, तो इस लेक्चर को इसी में ही कम्प्लीट करना है। ठीक है, आप लोगों का इसके बाद कोई लेक्चर तो नहीं है ना 10 बजे? 10 बजे है मेडिसिन का। अच्छा चलो, फिर इसमें कम्प्लीट करने की कोशिश करते हैं कि इसी लेक्चर में कम्प्लीट हो जाए। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर है नी पैथोलॉजी। जितनी भी मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने जब भी नी एनाटॉमी पहले पढ़नी है, तो उससे एसोसिएटेड जितनी भी डिजीजेज हैं वो हम लोग नी पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक, हम लोगों को अल्ट्रासोनोग्राफिक अपेरेंस सबका पता है कि हमारे टेंडन्स लिगामेंट्स जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने एनाटॉमी में पढ़े थे, वो अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए किस तरह नजर आते हैं, जो कि हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे किसी भी रीजन को जब हम कम्प्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जितनी पैथोलॉजीज हमने पढ़नी है, वो हमने एसोसिएटेड जितनी एनाटॉमी स्ट्रक्चर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नी के पढ़े थे ना, उसी से एसोसिएटेड सारी पैथोलॉजीज है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्टार्ट करेंगे कि पेशेंट कंप्लेंट्स किन के साथ आ रहा है। दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि पेशेंट की क्या हिस्ट्री है, पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है, क्या उसको मतलब पेन है, और उसकी पोटेंशियल फाइंडिंग्स क्या हो सकती है। ठीक है, तो पेशेंट हिस्ट्री, ये टेबल आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इसमें क्या है, पेशेंट व्हेन राइजिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन और ड्यूरिंग स्टेयर क्लाइंबिंग, उसमें उसको क्या पोटेंशियल फाइंडिंग हो सकती है। इसको पटेलो फेमोरल डिजीज हो सकती है, जिसमें उसको सिटिंग प्रॉब्लम, या जब वो उठ के बैठता है, या उसको जब भी सीढ़ियां चढ़ता है, उसको नीज में बहुत ज्यादा पेन होती है। ठीक हो गया। फिर इसी तरह बाकी हमारे पास जो है वो एक सेकेंड, ठीक है। ये कुछ उसकी कंप्लेंट्स थी, हम लोगों ने स्टार्ट की है पेशेंट हिस्ट्री के साथ, कि आपके पास पेशेंट किन हिस्ट्री और किन कंप्लेंट्स के साथ आ रहा है, और उसकी पोटेंशियल फाइंडिंग्स क्या हो सकती है। नंबर वन पे हम लोगों ने पढ़ा है पेन विद राइजिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन और ड्यूरिंग स्टेयर क्लाइंबिंग, उसमें हम लोगों की पोटेंशियल फाइंडिंग्स है पटेलो फेमोरल डिजीज हो सकती है।
एमवीए ट्रॉमा क्या है, मोटर व्हीकल ट्रॉमा या एक्सीडेंट जितने भी हैं हमारे, उसमें क्या पोटेंशियल फाइंडिंग हो सकती है, पीसीएल टियर या डिसलोकेशन हो सकती है, पेन और लॉकिंग ऑफ द नी आफ्टर स्क्वाटिंग, मेनिस्कल टियर, पॉपिंग साउंड आफ्टर अ पिवोटिंग मोशन ड्यूरिंग अ नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी, एसीएल टियर, पॉपिंग साउंड ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट, कोलेटरल लिगामेंट, मेनिस्कल और पटेलर डिसलोकेशन, एक्यूट स्वेलिंग, हमारे पास ACL, peripheral meniscal tear, osteochondral fracture with or without capsule tear, knee gives out, ligamentum laxity, patellar subluxations. ये आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है ना patient history या complaints या pains जितने भी हैं वो देख के और उसके साथ potential findings को इस table के अंदर पूरे को याद कर लो तो आपको major जो है ना इस lecture इसी के अंदर ही समझ आ जाएगा और याद हो जाएंगी. ठीक है, ये तो patient history और complaints थी. देन हमारे पास क्या है, अच्छा एमवीए ट्रॉमा क्या है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट या जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं ना, मतलब आपके रोड एक्सीडेंट्स हो गए, कभी बाइक से गिरा उससे एक्सीडेंट हो गया, जितने कार से एक्सीडेंट हो गया. ठीक है, एमवीए इज मोटर व्हीकल एक्सीडेंट. ठीक है, ट्रॉमा तो एक्सीडेंट से जितने बाइक या कार जितने भी हैं उससे जो है ना एक्सीडेंट से अगर नी में कोई इंजरी हो जाती है, कोई ट्रॉमा होता है तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या चांसेस होते हैं कि जो हमारे पास पीसीएल का टियर हो सकता है या डिसलोकेट हो सकता है नी. ठीक है, अच्छा अब स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डिजीज हमारे पास नंबर वन पे है कॉन्ड्रोमलेशियल पटेला या पटेलो फेमोरल सिंड्रोम. इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, द इरिटेशन. अब कॉन्ड्रो का मतलब ही जो है ना हमारे पास पता है कार्टिलेज है, जहां वर्ड कॉन्ड्रो यूज होगा दैट मीन्स वो कोई कार्टिलेज के बारे में बात हो रही है. तो कॉन्ड्रोमलेशियल पटेला या पटेलो फेमोरल सिंड्रोम क्या होता है, इसके अंदर क्या है, कार्टिलेज की जो है वो इरिटेशन हो सकती है और उससे जो है ना पेन नी की एसोसिएट है. दिस इज वेरी कॉमन कॉज ऑफ नी पेन इन द यंग पीपल. जो कार्टिलेजियस डिजीजेस हैं, जब यहाँ कार्टिलेजियस हमारे पास इंजरीज हैं या कार्टिलेजियस प्रॉब्लम्स हैं, वो यंग एजेस के अंदर बहुत ज्यादा कॉमन है. ये जितने हमारे पास ओल्डर एजेस हैं उसमें हमें पता है कि आर्थराइटिस इज वेरी कॉमन. आर्थराइटिस जो है वो विद एज जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, बढ़ता जाता है. इसीलिए हम लोग अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछें कि यंगर एजेस में क्या कॉमन है डिजीज का, तो दैट इज द कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला या इरिटेशन ऑफ द कार्टिलेज इज वेरी कॉमन इन द यंग पीपल. ठीक है, देन नी ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस एंड कॉमन अफेक्ट्स द नी कॉज्ड बाय एजिंग एंड वियर एंड टियर ऑफ द कार्टिलेज. ठीक है, जिस तरह मैंने अब उसको मैं बताया था कि उसके अंदर कार्टिलेज इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर जो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज वेरी कॉमन इन एजिंग. जैसे एज इंक्रीज हो जाती है, डीजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जो ज्वाइंट्स हैं उनके अंदर जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ज्वाइंट्स. ठीक है, जितने भी ज्वाइंट्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. ठीक, फिर हमारे पास आ गया और ऑस्टियोआर्थराइटिस सिम्टम्स में इंक्लूड नी पेन, स्टिफनेस एंड स्वेलिंग. ठीक है, इन कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आ रहा है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर पेन तो है ही है, स्टिफनेस है बहुत ज्यादा, स्वेलिंग हमें पता है कि हम इन्फ्लेमेशन का साइन है. ठीक, ये हो गए हमारे पास दो डिजीजेस जो कि एक कार्टिलेज से एसोसिएटेड है एंड यंग पेशेंट्स में है, यंग एजेस में है. दूसरा हमारे पास ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि हमारे पास जो है वो एज उनसे जो है ना हायर होती है कंपैरेटिव टू कॉन्ड्रोमलेशिया. और इसके अंदर जो है क्या ज्वाइंट के जितनी भी इन्फ्लेमेशन है वो हम लोग इसमें अल्ट्रासाउंड पे नजर आ सकती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर. और ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर अल्ट्रासाउंड के ऊपर हम लोगों को क्या चीजें नजर आ सकती हैं और जितने भी मैंने आपको बताया था इन्फ्लेमेशन के साइन है वो क्या है अल्ट्रासोनोग्राफिकली, नंबर वन इज द हाइपर वेस्कुलराइजेशन. ठीक है, उसमें क्या होगा कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इन एवरी इन्फ्लेमेशन. ठीक, सेकंड हमारे पास पेशेंट कंप्लेन के आएगा, पेन तो होगी उसको, स्वेलिंग जो है ना वो आपको नजर आ सकती है अगर हम उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो. देन हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट एक ये पॉइंट है जिसमें हम लोग ज्वाइंट फ्यूजन और साइनोवियल हाइपरट्रॉफी को अल्ट्रासाउंड के ऊपर डिटेक्ट कर सकते हैं. अब ज्वाइंट इफ्यूजन एंड साइनोवियल हाइपरट्रॉफी का क्या फर्क है, ठीक है,
किसी को पहले पता है मुझे बताएगा, ज्वाइंट डिफ्यूजन तो पता होगा, ज्वाइंट डिफ्यूजन एंड साइनोवियल हाइपरट्रॉफी क्या हो सकती है? ज्वाइंट डिफ्यूजन में हमारे पास जो साइनोवियल फ्लूइड है वो, और साइनोवियल हाइपरट्रॉफी जो साइनोवियल मेम्ब्रेन हमारे पास है जो कि एक्सक्रीट कर रहा होता है हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड, उसके अंदर क्या हो सकती है, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अब सोनोग्राफिकली दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है? अल्ट्रासोनोग्राफिक पैथोलॉजी, एन अमाउंट ऑफ फ्लूइड ऑफ मोर देन 3 ml कैन बी डिपिक्टेड इन द नी जॉइंट विद अल्ट्रासाउंड, ठीक है? देन हमारे पास क्या है, 3 recesses ऑफ द नी साइनोविया, हमारे पास 3 recesses हैं नी जॉइंट में। recesses का क्या मतलब होता है, स्पेसेस हैं जहाँ पे हमें पता है कि वहां पे फ्लूड एक्यूमुलेट हो सकता है, और उन तीनों हम recesses को देखते हैं। और नी जॉइंट के अंदर जो हमारे recesses हैं वो एक तो है सुप्रा पटेलर, एक लेटरल और मीडियल पैरापेटेलर रीजन, ठीक है? जब भी हम लोगों ने फ्लूइड को देखना भी है तो हम इन रेसिसेस के ऊपर अल्ट्रासाउंड प्रोब रखेंगे, और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सुप्रा पटेलर, देन हम लोग लेटरल और मीडियल साइड की दोनों रेसिसेस को देखते हुए फ्लूइड को मेजर करेंगे। इफ द फ्लूइड इज मोर देन 3 ml इट इज सेड टू बी जॉइंट फ्यूजन, ठीक है? As fluid is displaceable, care should be taken to avoid pressure with the probe. हमें पता है fluid है, water है, water बिल्कुल, अब हम लोग superficial structures ही तो देख रहे हैं। जब हम probe रखते हैं sometimes कुछ ऐसे sonographers होते हैं जो कि क्या हमारा जो probe है उसको pressure के through जो है visualize कर रहे होते हैं, हर organ को थोड़ा सा pressure करते हैं, लेकिन in this case हम लोगों को थोड़ी सी care के साथ इसको करना है कि avoid करना है, हमने pressure नहीं देना प्रोब के साथ, हमने हल्का सा उसको स्किन के साथ प्रोब को सिर्फ टच करना है, सिर्फ इतना टच हो जाए कि आपके जो एयर है वो बीच में ना आए और उससे हमें आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस ना हो, ठीक है? प्रोब आपके पूरी स्किन के साथ इंटैक्ट होनी चाहिए, बस आप लोगों ने प्रेशर नहीं डालना। प्रेशर डालेंगे तो फ्लूइड क्या होगा, वो डिस्प्लेस हो जाएगा, नीचे जितना फ्लूइड है वो हम उसको प्रॉपर मेजर नहीं कर सकेंगे, ठीक है? स्टार्टिंग विद द सुप्रा पटेलर रेसिस, कंटिन्यूस विद द लेटरल एंड मीडियल रेसिस एज दे आर द मोस्ट डिपेंडेंट व्हेन द पेशेंट इज इन सुपाइन, ठीक है? अब हम लोगों ने फ्लूइड को मेजर करना है, जॉइंट डिफ्यूजन देखनी है। जॉइंट डिफ्यूजन के लिए मैंने रेसिसेस बता दी हैं, उसमें क्या होगा कि आपने स्टार्टिंग फ्रॉम द सुप्रा पटेलर एंड देन टू मीडियल और लेटरल साइड के जो पैरा पटेलर रेसिस है वहां पे आपने प्रोब रखते हैं, 3 जगहों पे प्रोब रखना है एंड देन अपना फ्लूइड को देखना है, ठीक है? पेशेंट की पोजिशनिंग हम सुपाइन करते हैं, पेशेंट लेटा होता है बिल्कुल सीधा, ठीक है? वो हम लोग इंशाल्लाह जब नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम लोगों ने सारी पेशेंट पोजीशनिंग और प्रूब हैंडलिंग और अल्ट्रासोनोग्राफिकली सारी चीजें हमने देखनी है, ठीक है? देन हमने तीनों रेसिसेस में फ्लूइड को देख लिया है, पेशेंट सुपाइन था। आफ्टर इफ्यूजन डिटेक्टिंग कंप्रेशन विद द ट्रांसड्यूसर इज रिकमेंडेड इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लूइड एंड द साइनोवियल हाइपरट्रॉफी। हमने स्टार्ट जब करना है तीनों रेसिसेस को तब हमने कंप्रेशन नहीं डालना, उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा फ्लूइड डिस्प्लेस हो सकता है। लेकिन एक दफा जब हमने देख लिया तीनों रेसिसेस में कि हमारा फ्लूइड है इतना और इसको मेजर कर लिया, देन हम लोग उसके बाद फ्लूइड को देखते हुए फिर उसके डिटेक्ट हो गया फ्लूइड, उसको मेजर कर लिया, देन हम थोड़ा सा उसके अंदर कंप्रेशन डालते हैं टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्लूइड एंड द साइनोवियल हाइपरट्रॉफी। अब क्या होता है कि साइनोवियल हाइपरट्रॉफी में जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो उसकी हाइपरट्रॉफी हुई हुई है, साइनोवियल फ्लूइड भी वहीं पे है, उनकी एकोजेनिसिटी जो है वो भी हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं क्या इनकी क्या फर्क होता है दोनों की एकोजेनिसिटी के अंदर, तो क्यों हम लोग जो है इसको कंप्रेस करते हैं, ठीक है? द डेवलपमेंट ऑफ द पावर डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेक्निक हैज लीड टू इम्प्रूव इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द लोकल एक्टिविटी, इट डिटेक्ट्स इन्फ्लेम्ड टिश्यू हाइपरीमिया। अभी मैंने जैसे बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर या आर्थराइटिस आइटिस, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जहां पे भी हो वो इन्फ्लेमेशन होती है उस स्ट्रक्चर की, इसीलिए जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो क्या है, हमारी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन है। तो जॉइंट के इन्फ्लेमेशन के अंदर मैंने बताया था एक मेजर साइन क्या होता है, हाइपरवैस्कुलराइजेशन, ठीक है? इन्फ्लेमेशन के अंदर हमारे पास ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, फॉर दैट डिटेक्शन हम क्या यूज करते हैं, पावर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ताकि वो हमें, एक तो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, हमने कलर डॉपलर की बजाय पावर डॉपलर अल्ट्रासाउंड देखना है
जिसका क्या मतलब है कि हम लोगों को उसके अंदर डायरेक्शन तो हमने देखनी नहीं है, बिकॉज पावर डॉपलर के अंदर हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता, जिस तरह कलर डॉपलर के अंदर पता चलता था रेड और ब्लू कलर जो हमें डायरेक्शन बताता था, बट पावर डॉपलर इज डायरेक्शन फ्री, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं पता चलती, बट उसकी जो हमारे पास सेंसिटिविटी है इज मोर देन कलर डॉपलर, ठीक है। तो उसके अंदर हम पावर डॉपलर के अंदर छोटी सी छोटी ब्रांचेस भी वेसल्स की इसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, जो कि हमें बता देगा कि दिस इज हाइपर वैस्कुलराइजेशन, जो छोटी छोटी वेसल्स जो हैं वो भी हमें इसके अंदर अच्छी नजर आएंगी। सो फॉर द ऑस्टियोआर्थराइटिस या कोई भी इन्फ्लेमेशन हम लोग पावर डॉपलर उसके अंदर टेक्निक यूज करेंगे, ठीक है। इट डिटेक्ट इन्फ्लेम टिश्यू, हाइपरीमिया, ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। Next is the knee is relatively deep joint, so power Doppler signal is not always present in case of synovitis. However, it presents an indication of acute inflammation. अभी मैंने बताया कि inflammation में तो इसका बहुत अच्छा role है, active inflammation जहाँ पे हो जाती है, लेकिन sometimes क्या होता है अगर synovitis है, synovial membrane की inflammation है, उसके अंदर color Doppler हम लोगों को इतना ज्यादा अच्छा नहीं नजर आ सकता, because synovitis is a deep स्ट्रक्चर, ऊपर हमारे बोन्स भी हैं, ठीक, उसकी वजह से जो है वो हमें जो है पावर डॉपलर इज नॉट गुड इन साइनोवाइटिस, बट एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहीं हुई हुई है तो इट इज वेरी गुड टू डिटेक्ट हाइपरीमिया या हाइपरवैस्कुलराइजेशन। द सुपीरियरिटी ऑफ द अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ओवर क्लिनिकल एग्जाम इज द स्वॉलन नी वॉज फर्स्ट प्रूवन बाय हॉजियर एट ETAL. अब ETAL जब आप पढ़ोगे ना, ETAL जिसे कहते हैं, ये हम लोगों का वर्ड तब यूज होता है जब हम लोगों ने रिसर्च करनी होती है ना, तो रिसर्च के अंदर अब फॉर एग्जांपल के मोर देन वन जो थे ना आपके पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने रिसर्च की है, फॉर एग्जांपल आप में से कोई एक सना ने कर ली, एक मासूमा ने कर ली, एक सामिया ने कर ली, तीन चार मिलके ये ग्रुप थे और इन्होंने एक रिसर्च करनी थी और रिसर्च में इन्होंने नाम लिख दिया के फॉर एग्जाम्पल मासूमा ETAL, ठीक है। दैट मीन्स के आपके साथ मासूमा के साथ एक ग्रुप था जिन्होंने रिसर्च की थी, तो ये मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि जब आप रिसर्चेस इन ग्रुप करोगे तो आप एक का नाम लिखते हुए साथ में एक ETAL लिख देते हैं, दैट मीन्स के दिस वॉज द ग्रुप स्टडी, ठीक है। तो ये कोई रिसर्च थी जिन्होंने ये जो है ना प्रूवन किया था कि जो क्लिनिकल एग्जाम इज इन स्वॉलन नी वॉज प्रूवन फर्स्ट बाय दिस ग्रुप। A few years later by Kane et al. Regarding rheumatoid arthritis fluid in the knee. इनकी रिसर्चेज हैं, छोड़ दो इनको। अच्छा, खैर, the knee is a relatively deep joint, so power Doppler, ये फिर से पीछे आ गए। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों को पता चल गया है, अब हम लोगों ने अगर recesses में अपनी प्रोब रखनी है, starting from the suprapatellar recess, then lateral and medial, and then the Baker cyst. Baker cyst अभी आगे बढ़ते हैं, होती क्या है, कहाँ होती है। अच्छा, अभी हम लोग ऊपर से आ रहे हैं ना, जैसे suprapatellar is the region above the patellar region, ठीक है, फिर उसके बाद lateral side पे, ये तो हमारी interior side सारी cover हो गई ना, interior ऊपर वाली suprapatellar और दोनों sides पे जो है हमारे लेटरल और मीडियल। अगर हमने पोस्टीरियर साइड देखनी है तो वहां पे हमें बेकर सिस्ट कॉमन एक सिस्ट है, वहां पे फ्लूइड मिलता है, वो देखते हैं आगे कि बेकर सिस्ट होता क्या है, ठीक है। अभी तक आपको समझ आ गई कि हमने आर्थराइटिस, पहले तो हमने दो डिजीजेस पढ़ी है, दैट इज द डिजीज ऑफ द कार्टिलेज, दैट इज वेरी कॉमन इन द यंग एजेस, दैट इज नोन एज कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला, ठीक है। देन हम लोग आ जाते हैं आर्थराइटिस के, वो यंग में था, ये जो था वो ओल्डर एजेस में था। Arthritis, what is inflammation of the knee joint? ठीक, उसके बाद हम knee joint की inflammation के अंदर दो चीजें देखते हैं, एक is the joint effusion and other is the synovial hypertrophy. ठीक है, for that we have some recesses, उनको हम लोग देखते हुए वहां पे fluid की हम accumulation देखते हैं, probe को हम किस तरह रखते हैं, हमने pressure नहीं डालना because हम fluid को देख रहे हैं, अगर 3 ml से ज्यादा fluid है that is known to be in joint effusion. अदरवाइज जो है वो हम साइनोविया हाइपरट्रॉफी किस तरह की नजर आती है वो हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक ये चीजें हम लोगों ने कंप्लीट की हैं, ठीक है। रेसेसिस में देख लिया, अब आ जाओ इफ्यूजन। इफ्यूजन के ये तीन पॉइंट और हमारे पास यही तीन पॉइंट, इसको ऑपोजिट कर लो तो साइनोवियल हाइपरट्रॉफी के तीन पॉइंट बन जाएंगे। सो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट इफ्यूजन एंड साइनोवियल हाइपरट्रॉफी ऑन अल्ट्रासाउंड, तो ये तीन आप लोगों ने पॉइंट लिखने हैं। नंबर वन, एन एबनॉर्मल हाइपोक्विक और एनेक्विक इंट्रा आर्टिकुलर मटीरियल इफ्यूजन, आपको पता
है कि फ्लूइड है तो वो हमारे पास हाइपोइक्विक या एनीकोइक अपीयरेंस देता है. एनीकोइक तो हमें पता है फ्लूइड है, हमें ब्लैक नजर आएगा. व्हाई हाइपोइक्विक? अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास जो इफ्यूजन है, जो हमें फ्लूइड नजर एनीकोइक, उसमें इतनी ज्यादा इंफ्लेमेशन की वजह से हमें सम फॉरेन ऑब्जेक्ट्स भी उसमें नजर आ सकते हैं, हमें उसके अंदर कोई डेब्रीज नजर आ सकती हैं, हमें उसके अंदर अगर कोई इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है ना, क्या कह सकते हैं, उसकी जो अपेरेंस है वो बिल्कुल एनेक्विक, बिल्कुल क्लियर फ्लूइड नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई डेब्रीज या कोई हमारे पास फॉरेन पार्टिकल्स नजर आ सकते हैं, उनकी वजह से हमें जो ओवरऑल जो फ्यूजन है वो हाइपोइक्विक अपेरेंस दे सकती है. सो एन एबनॉर्मल हाइपोइक्विक या एनेक्विक इंट्रा आर्टिकुलर मटेरियल इज इफ्यूजन. ठीक. अब अल्ट्रासोनोग्राफिकली हाउ कैन यू डिटेक्ट एन इफ्यूजन? नंबर वन इज कंप्रेसिबल. इफ्यूजन इज कंप्रेसिबल बिकॉज इट्स अ फ्लूइड. अगर हम उस पर प्रोब कंप्रेस करते हैं तो इट विल बी कंप्रेसिबल, ये इधर उधर डिस्प्लेस हो जाएगी. ठीक है. तो सेकेंड पॉइंट इज डिस्प्लेसेबल. वन इज कंप्रेसिबल, नंबर वन इज डिस्प्लेसेबल, एंड नंबर थ्री इज विदाउट डॉपलर सिग्नल. हमें फ्लूइड के अंदर कोई फ्लो नजर नहीं आएगा. डेट विल शो कि इट इज अ joint effusion. There is no Doppler signal in the effusion. Okay? If you differentiate between effusion and synovial hypertrophy on ultrasound, these three points are important. Number one is effusion is compressible. Number two is displaceable due to compression. And number three is without Doppler signal, there will be no Doppler signal in the joint effusion. Any form of arthritis or injury may cause a knee effusion. This is the cause of knee effusion. Arthritis या injury के वजह से भी हमारे इसमें effusion हो सकती है. Then number two is synovial hypertrophy, जिसकी मैं बात कर रही थी. अच्छा, ये तो हमें नजर आता ही आता hypoequic है, because it's a soft tissue. ठीक है. An abnormal hypoequic intra-articular tissue is known as synovial hypertrophy. अब हम लोगों ने वो तीन points वहां पढ़े थे, उन तीनों को opposite the Doppler signal. इसके अंदर हमें signals मिलते हैं because it's a tissue और इसके अंदर wall होती है. wall के अंदर जो है हमारे पास blood vessels होती हैं और हमारे fluid के अंदर vessels नहीं होती. These three points can differentiate between synovial effusion, joint effusion and synovial hypertrophy. ठीक है. अच्छा, ये हमारे पास जो है ना, ये suprapatellar races के अंदर जो है वो कुछ हमें इफ्यूजन और साइनोवियल हाइपरट्रॉफी बता रही है, बट इतनी क्लियर नहीं है. बट ये हम जहाँ पे स्टार ये हम कहते हैं डाटा इफ्यूजन. ठीक है. फिर इसको मेजर करेंगे. इफ इट इज मोर देन 3 ml देन इज सेड टू बी इफ्यूजन, अदरवाइज इट्स नॉर्मल. ठीक है. ये देखो साइनोवियल हाइपरट्रॉफी में कैसे, ये जो हमारा स्पेस है ये वाली जितनी भी है, ठीक है, एक तो ये कि ये वॉल देख रही है, उसके अंदर ग्रे स्ट्रक्चर सारा नजर आ रहा है, हाइपोइक्विक है, थोड़ा सा फ्लूइड भी है. ठीक है. बट वो है इफ्यूजन. ठीक. लेकिन हाइपरट्रॉफी हुई है, इसके वॉल की साइनोवियल भी है हाइपरट्रॉफी. ठीक है. अब अगर इसमें डालते हैं डॉपलर, तो आप देख रहे हो कि अगर जो फ्लूइड है अंदर इफ्यूजन है, उसके अंदर हमें कोई सिग्नल नहीं मिल रहे, बट हम लोगों को जो साइड पे वॉल है, साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर हमें इसके अंदर फ्लो मिल रहा है. Knee effusion at its greatest point of thickness inside the suprapatellar races is more than 3. हाँ जी क्लास, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम. जी मैम आ रही है. यस मैम भी आ गई. बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था जी मैम. यस मैम. यस मैं बोली जा रही थी, मुझे लगा वो एकदम से आए हैं, तो तब मुझे पता चला कहां तक नहीं सिग्नल ड्रॉप हुए. रुको, ये डायग्राम्स देख रही थी? नो मैम. यस मैम. साइनोवियल हाइपरट्रॉफी पढ़ ली है ना हमने मैम? डायग्राम अभी कर दो. ठीक
ठीक है, साइनोवियल हाइपरट्रॉफी और इफ्यूजन का डिफरेंस हमने पढ़ लिया, देन हमने डायग्राम्स देखी हैं. दिस इज इफ्यूजन, हमें नजर आ रही है स्टार जहाँ पे है सुप्रा पटेलर रेसेस में. ठीक है, ये पटेला है हमारा पी जो है उसके, अगर हम लोग ऊपर जाके हमारे पास जो रेसेस है सुप्रा पटेला दैट इज अबव पटेला, हमारे यहाँ पे स्पेस होती है, ठीक है, खाली जगह होती है, उसमें अगर आपको फ्लूइड मिल रहा है मोर देन 3 ml, ठीक है फ्लूइड है, और जो है उसको अगर हम मेजर करते हैं फ्रॉम इट्स हाईएस्ट पीक जहाँ पे हमें ज्यादा फ्लूइड मिल रहा है, अगर वो 3 ml से ज्यादा है दैट विल बी जॉइंट इफ्यूजन. ठीक है, ये हमारे पास साइनोवियल जो हाइपरट्रॉफी मैंने बताया था इज अ ग्रे स्ट्रक्चर, और ग्रे स्ट्रक्चर की वजह से वो हाइपोक्विक नजर आ रहा है, ये देख रहे हो सारा इसके अंदर, ये सारा साइनोवियल की साइनोवियल मेम्ब्रेन की हाइपरट्रॉफी हुई है. फ्लूइड भी कहीं कहीं नजर आ रहा है लेकिन ये सारा ग्रे स्ट्रक्चर इज द साइनोवियल हाइपरट्रॉफी, और अगर इस हाइपरट्रॉफी के अंदर हम लोग फ्लो डालते हैं तो हमें फ्लो नजर आता है एट इट्स वॉल. ठीक है, ये हमें बाहर बाहर साइड पर जितना भी साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो हमें हाइपरवैस्कुलराइजेशन नजर आ रही है, इसके अंदर फ्लो नजर आ रहा है, और अगर हम इसको फ्लूड के देखें तो हमें फ्लूड के अंदर जो है वो कोई भी फ्लो नजर नहीं आ रहा, दैट विल डिफरेंशिएट के आया ये साइनोवियल हाइपरट्रॉफी है, यहाँ पे इसके अंदर ज्वाइंट इफ्यूजन नहीं है. ठीक है, तो नी इफ्यूजन एट इट्स ग्रेटेस्ट पॉइंट ऑफ थिकनेस इन साइड द सुप्रा पटेलर रेसेस इज ऑफ 3 ml is considered pathological, जो कि मैंने भी आपको इस वाली पिक्चर में बताया. ठीक है, कि इस रेसेस के अंदर that is suprapatellar recess, अगर हम इसको मेजर करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक because it's the highest peak जहाँ पे हमें मैक्सिमम फ्लूइड नजर आ रहा है, मेजर करेंगे 3 ml से ज्यादा है हम रिपोर्ट कर देंगे कि यहाँ पे इफ्यूजन है. ठीक है, 3 ml is considered pathological. अच्छा, नी साइनोवाइटिस इन रूमेटाइड आर्थराइटिस इज समटाइम्स रिफ्रैक्टरी परसिस्टेंस फॉर मोर देन 6 months ऑफ एग्रेसिव लोकल एंड सिस्टेमिक ट्रीटमेंट और रिप्लेसिंग ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट एंड दैट मे कॉज ग्रेट डैमेज टू द जॉइंट लीडिंग फ्रीक्वेंटली टू आर्थ्रोप्लास्टी. अब नी साइनोवाइटिस इतने टाइम से 6 months से ज्यादा हो गया है रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर. ठीक है, आर्थराइटिस उसको था उसके साथ ही उसको जो है साइनोवाइटिस हो गया है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है साइनोवियल मेम्ब्रेन की. अब वो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर 6 months से ज्यादा अग्रेसिव हो गया है बहुत ज्यादा, तो डेट विल कॉज ग्रेट डैमेज टू द जॉइंट. ठीक है, तो जब भी हम लोगों ने आर्थराइटिस को उसके अंदर इन्फ्लेमेशन को देख लिया है एंड इट इज मोर देन ऑफ 6 months, तो वो आहिस्ता और ज्यादा उसको डैमेज ही करेगा, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे हमें पूरा का पूरा जॉइंट को रिप्लेस करना पड़ जाएगा एंड दैट इज नोन एज आर्थ्रोप्लास्टी. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द इंडिकेशन ऑफ रिपीटेड एग्जामिनेशन ऑफ द नी जॉइंट बाय द अल्ट्रासाउंड स्पेशली इन रूमेटाइड आर्थराइटिस. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग जब भी अल्ट्रासाउंड, हमने बताया था कि हम क्यों करते हैं, हम एमआरआई क्यों नहीं करते, हमें बार बार कुछ ऐसी डिजीज के अंदर अल्ट्रासाउंड को बार बार देखना पड़ता है या फिर उसकी प्रोग्रेशन देखनी पड़ती है. ठीक है, तो उसके लिए हम इजी है हमारे पास कि हम फॉरन से अल्ट्रासाउंड कर लें. रूमेटाइड आर्थराइटिस अगर पेशेंट का है तो वो क्या है उसको हम लोग देखते हैं कुछ कुछ टाइम के बाद के आया ये ठीक हो रहा है या और डैमेज की तरफ जा रहा है. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन के फॉर द इंडिकेशन ऑफ रिपीटेड एग्जामिनेशन ऑफ द नी जॉइंट बाय अल्ट्रासाउंड स्पेशली इन रूमेटाइड आर्थराइटिस. अब ये एक्टिव आर्थराइटिस है. एक्टिव आर्थराइटिस, व्हाई इट इज एक्टिव आर्थराइटिस, क्या मेजर पॉइंट है, हाइपरवैस्कुलराइजेशन. ठीक है, इसके अंदर आप वेसल्स देख रहे हो, डॉपलर पावर डॉपलर इसके अंदर डाला हुआ है और उस नी जॉइंट के अंदर हमें बहुत सारी वेसल्स मिल रही हैं. ठीक है, हमने कवर कर लिया है रेसेसेस, तीनों हमने रेसेसेस देख ली हैं, लेटरल, मीडियल और जो हमारे पास सुप्रा पटेलर, सेम इसी तरह की रेसेस होती है, और इसके अंदर अगर फ्लूइड मोर देन 3 ml या 3 ml तो that is pathological. We said it is effusion, joint effusion हुई है. ठीक है, और हम लोग क्यों अल्ट्रासाउंड इसके अंदर arthritis के अंदर बार बार करते हैं, क्योंकि synovitis inflammation जो कि synovial membrane की है, अगर वो बहुत ज्यादा start हो जाए with time more than 6 months, अभी हम लोग और damage cause करना शुरू हो जाएगा, then वो lead कर रहा है towards आर्थ्रोप्लास्टी, के हमारा जो पूरा ज्वाइंट है उसको हम लोग रिप्लेस कर सके, इतना डैमेज हो चुका है ड्यू टू द साइनोवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन. अच्छा, ये तो हो गई
फ्रंट वाली साइड, अगर हम बैक पे चलते हैं ठीक है, पोस्टीरियर साइड ऑफ द नी जॉइंट, वहां पे भी हमें एक फ्लूइड मिलता है, वो सिस्ट क्या हो सकती है, वो हो सकती है बेकर सिस्ट या पॉपलीटियल सिस्ट, इन दोनों में क्या फर्क होता है वहां पे हम इसमें पढ़ते हैं, व्हाट इज बेकर सिस्ट एंड व्हाट इज पॉपलीटियल। बेकर सिस्ट इज अ फ्लूइड फिल्ड डिस्टेंडेड साइनोवियल लाइन बर्सा अराइजिंग बिटवीन, अब ये बेकर सिस्ट क्या है, ठीक है, एक हमारे पास सिस्ट है और वो होती कहाँ पे है, पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास दो मसल्स है, उनके दरमियान में हमें ये मिलेगी, और वो क्यों, कौन से, मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनेमियस एंड द सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन, ठीक है, इनके दरमियान में हमको एक फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज नोन टू बी अ बेकर सिस्ट। बेकर सिस्ट यूजुअली लोकेटेड एट और बिलो द नी जॉइंट लाइन। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। वो आ जाता है बार बार के सिग्नल, yes, तो मुझे बस यही टेंशन रहती है जहाँ पे रहे, मुझे पता नहीं चलेगा कि ये ना मैं बोलती रहूँ और आप लोगों को मेरी आवाज ही ना आ रही। अच्छा, बेकर सिस्ट यूजुअली लोकेटेड एट और बिलो द नी जॉइंट लाइन, ठीक है। अल्ट्रासाउंड फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, क्या बेकर सिस्ट का अल्ट्रासाउंड पे जब हम डिटेक्ट करते हैं, व्हाट आर द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड पे, कैसी बेकर सिस्ट नजर आती है? नंबर वन पॉइंट इज अ वेल डिफाइंड सिस्ट, ठीक है, विद द नेक एट इट्स डीपेस्ट एक्सटेंडिंग इनटू द जॉइंट स्पेस। ये एक फर्क है जो कि पॉपलीटियल सिस्ट और बेकर सिस्ट का है। बेकर सिस्ट भी पोस्टीरियर साइड ऑफ द नी पे मिलती है, पॉपलीटियल सिस्ट भी पॉपलीटियल फॉसा मतलब जो हमारा बैक साइड है वहां पे सिस्ट मिलती है, तो हम कैसे कहेंगे कि दिस सिस्ट इज अ बेकर सिस्ट एंड दिस इज अ पॉपलीटियल। बेकर सिस्ट भी हम लोगों को प्रॉपर एक वेल डिफाइंड सिस्ट की तरह मिलेगी, पॉपलीटियल सिस्ट भी वेल डिफाइंड मार्जिन और हमें एनिपिक सिस्ट मिलेगी। मेजर डिफरेंस है नेक का, ठीक है। बेकर सिस्ट के अंदर एक हमें नेक मिल रही होगी जो कि एक्सटेंड कर रही है इनटू द जॉइंट स्पेस। दोनों यूजुअली एनिक्विक है बट मे कंटेन इंटरनल डेब्रीज, ठीक है, एनिक्विक विद इंटरनल डेब्रीज। हमने बताया कि बेकर सिस्ट कहाँ पे पड़ी होती है, दो मसल्स हमारे बेकर सिस्ट के हेड ऑफ मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनेमियस और सेमी मेम्ब्रेनस, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्मल अभी इमेज दिखा, मेरा कर्सर कहाँ गया, कर्सर ही घूम गया, ऊपर आ रहा है इमेज के ऊपर नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा खैर, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है ना, दिस इज द सेमी मेम्ब्रेनस, और जो हमारे पास ये नीचे पर्पल जो जहाँ पे जिस कलर का लिखा हुआ है मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनेमियस, ये दोनों बिल्कुल साथ साथ पड़े हुए हैं, ये नॉर्मल है, ठीक है, आप देख रहे हो। और बेकर सिस्ट अगर होगी तो वो इन दोनों के दरमियान हमें मिलेगी, ठीक है। नीचे हमारे पास मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनेमियस मसल देख रहे हो कितना वो है, बड़ा सा मसल उसके अंदर हमें नजर आ रही है, ठीक। और अगर दूसरा हम देखते हैं क्या था, सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन, अब ठीक है। अब ये देखो सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन और इस मसल के अंदर आपको फर्क महसूस हो रहा है, वो टेंडन हमें छोटा सा ग्रीन कलर का इतना नजर आ रहा है, और हाइपर एक्वेक अगर हम ये कलर हटाएं तो उसके अंदर लाइन व्हाइट कलर की ज्यादा नजर आएंगी। और नीचे अगर हम देखें तो ये पूरा, मेरा कर्सर पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। ये देखो, ये अगर हम लोगों ने इतना एरिया को देखो तो दिस इज टेंडन ग्रीन कलर का, हमें इसके अंदर व्हाइट कलर की लाइंस नजर आ रही है, ठीक है। ये टेंडन है और दिस इज मसल मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनेमियस। अब ये देख रहे हो ये पूरा यहां से लेके यहां तक, और इसके अंदर हमें ये देखो स्ट्राइशन पूरी मसल्स, तो प्रॉपर हमें एक बल्कि सा प्रॉपर नजर आता है, ये पूरा मसल है, ठीक है, ये वाला। और इसके अंदर हम लोगों को वेन और कुछ आर्टरीज भी मिल रही हैं, ये जो कलर हमें नजर आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज सेमी मेम्ब्रेनस और दिस इज मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनेमियस, और इन दोनों के दरमियान ये जो एरो, इस जगह पे अगर हमें कोई फ्लूइड नजर आ रहा है तो वो कौन सा होगा फ्लूइड, दैट इज द बेकर सिस्ट, ठीक है। अब बेकर सिस्ट, व्हाट इज बेकर सिस्ट, अ फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर एट द पोस्टीरियो मीडियल नी इज सजेस्टिव ऑफ द पॉपलीटियल सिस्ट। अब दूसरा क्या था, पॉपलीटियल सिस्ट, बेकर सिस्ट भी उधर ही कहां पे पड़ा होता है, सेमी मेम्ब्रेनस और मीडियल हेड ऑफ द गैस्ट्रोनेमियस, ठीक है, मसल, उसके दरमियान हमें अगर फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर विद अ नेक देन वो बेकर सिस्ट है। लेकिन
अगर हमें पोस्टीरियो मीडियल नी के ऊपर एक और सिस्ट नजर आ रही है विदाउट अ नेक दैट इज नोन टू बी अ पोपलीटियल सिस्ट. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेक बिटवीन द टेंडन इज नेसेसरी फॉर द डेफिनेटिव डायग्नोसिस. अब ये देख रहे हो ये हमारे पास बेकर सिस्ट है, ठीक है. ये देखो ये इतनी बड़ी सिस्ट है विद डेब्रीज, इसके अंदर छोटे छोटे हमें डॉट्स नजर आ रहे हैं व्हाइट कलर के, ये बेकर सिस्ट. और ये देख रहे हो इधर नेक, नीचे की तरफ को एक नेक जा रही है, ठीक है. ये फ्लूइड है सारा, ये ग्रे ग्रे सा हाइपोइक्विक सा सारा फ्लूइड है, उसके अंदर डेब्रीज की वजह से हमें इतनी बड़ी सिस्ट नजर आती है. सो दिस इज बेकर सिस्ट विद अ नेक. अगर विद अ नेक हमें मिल रही है तो दिस इज बेकर सिस्ट, ठीक हो गया, बेकर सिस्ट हो गए, ठीक है. टू पीक्स आर डिस्क्राइब्ड 4 to 7 years एंड 35 to 70 years, ठीक है. इनके इन एज ग्रुप्स के अंदर इसका पीक बहुत ज्यादा होता है, या तो बहुत यंग एज, बहुत बच्चों में 4 to 7 years के बच्चों में हमें ये मिलेगी, या फिर 35 से 70 years के एज में हम लोगों को ये कॉमन है बेकर सिस्ट. हिस्ट्री क्या है, पॉपलीटियल सिस्ट वर फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द एडम्स इन 1840 बट बेकर्स इन 1877 एस्टैब्लिश बाय द रिलेशनशिप विद द जॉइंट डिफ्यूजन. छोड़ दो हिस्ट्री क्या करनी है, पैथोलॉजी हमें, टू पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस आर डिस्क्राइब्ड. अच्छा अब क्या है, वेल्व लाइक कनेक्शन बिटवीन द नी जॉइंट एंड द गैस्ट्रोनेमियस सेमी मेम्ब्रेनस पर्सा. इसके अंदर क्योंकि एक नेक है और फ्लूइड है जो कि हमारे जॉइंट जो नी जॉइंट है उसके अंदर एक्सटेंड हो रहा होता है, तो इसके अंदर एक वेल्व लाइक अपीयरेंस हमें नजर आती है रिजल्टिंग इन फ्लूइड बीइंग स्क्वीज्ड ओनली इन वन डायरेक्शन. क्लियर, नो कनेक्शन विद प्राइमरी गैस्ट्रोनेमियस और सेमी मेम्ब्रेनस बर्साइटिस. The popliteal fossa must be examined every time when knee ultrasound is performed, especially when fluid is found in the anterior recesses. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो anterior recesses हैं, suprapatellar या lateral medial side पे हम लोग देखते हुए हम posterior side को भी जरूर देखते हैं when doing ultrasound of the knee joint. हम लोगों ने वहां पे अगर हमें कोई fluid मिलता है तो posterior तो लाजमी देखना है. Sometimes वहां पे हमें Baker cyst मिल जाती है और sometimes हमें वहां पे popliteal cyst मिलती है. The Baker cyst usually develop from a persistent effusion as in conditions such as arthritis. ठीक है, अगर हमें arthritis है वो तो हमें anteriorly भी कोई fluid 3 mm से ज्यादा मिलेगा मिलेगा, लेकिन posteriorly भी हमें कोई Baker cyst मिल सकती है. No connection with primary gastrocnemius या semi-membranous bursitis. अब वहां पे हमें पता है कि वहां पे bursas भी कुछ पड़े हुए हैं, तो वो भी फ्लूइड फिल कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो वो बिल्कुल एनिक्विक छोटे छोटे से हमें जिस जिस जगह पे हमने पढ़े थे एनाटॉमी के अंदर वहां पड़े होते हैं सुप्रा पटेलर और ये वो सारी जगह पे, लेकिन उनको और इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, इसके अंदर जो है वो कनेक्शन होता है गैस्ट्रोनेमियस और सेमी मेम्ब्रेनस का विद द नेक, और उसके अंदर हम लोग को पता चल जाता है क्लियरली कि दीज आर बर्सास और वो बर्साइटस, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हमें कैसे नजर आती है. The popliteal fossa must be examined. ठीक है, ये पढ़ लिया हमने. Baker cyst usually develop from the persistent effusion as in conditions such as arthritis. अब associations of the Baker cyst कौन कौन सी हैं? Degenerative arthropathy, rheumatoid arthritis, Charcot joint involving knee, post traumatic in athletes. और इसमें treatment and prognosis क्या है? In children spontaneously resolved by 10 to 20 months, aspiration with steroid injection. Beneficial in reducing Baker cyst size. मैंने ये देखी हुई है, मेरे पास एक पेशेंट आया था, बल्कि मैं सीख रही थी तब, तो मैंने देखी थी ये Baker cyst इतनी बड़ी होती है पेशेंट की, जो पोस्टीरियर नी जॉइंट है ना वो इतना एरिया स्वेलिंग होती है वहां पे, हमें पहले ही देख लिया, साथ ही पहले तो पता चल जाता है वहां पे फ्लूइड है, ठीक है ठीक है. फिर जब हम उसके ऊपर प्रोब रखते हैं तो अच्छा खासा फ्लूइड, इतनी बड़ी सिस्ट हमें नजर आती है. अब वो सिस्ट हमें पॉपलीटियल सिस्ट भी हो सकती है बहुत बड़ी, लेकिन पॉपलीटियल सिस्ट इतनी बड़ी नहीं होती है जितनी बड़ी ये बेकर सिस्ट होती है, ठीक है. तो फिर उसके अंदर फ्लूइड नजर आया और देन हम लोगों को इसको प्रॉपर डायग्नोसिस, जो कन्फर्म डायग्नोसिस करने के लिए देखने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, उसके अंदर नेक देखते हैं, फिट इज एक्सटेंडिंग इन टू द नी जॉइंट और इन दो मसल्स जो सेमी मेम्ब्रेनस टेंडन और गैस्ट्रो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनेमियस के सेंटर में हमें मिल रही है, दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ द बेकर सिस्ट. रिजॉल्व हो जाती है 10 to 20 months में बच्चों में, और अगर हम लोग इसको एस्पिरेट करते हैं क्योंकि फ्लूइड है
फ्लूड अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो है वो हम एस्पिरेशंस कर सकते हैं, जहां जहां हमें ज्यादा फ्लूड मिलता है हम प्रोब रखेंगे और फिर उसको नीडल के साथ फ्लूड का एस्पिरेट कर देंगे विद स्टीरॉइड इंजेक्शन. ठीक है. बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग बेकर साइज. बेकर सिस्ट का जो साइज है ना वो बेसिक बहुत बड़ा होता है, तो उसको हम लोग थ्रू एस्पिरेशन उसको रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. अब ये देखो बेकर सिस्ट इतनी बड़ी थी कि वो एक इमेज के ऊपर हमें आई नहीं क्लियर, तो हमने दो इमेज लेके इनको ज्वाइन किया हुआ है. ठीक है, ये देख रहे या हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन के अंदर कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरा एक इमेज को लेके आता है, मैंने बताया था आप लोगों को. पैनोरामिक. बिल्कुल, पैनोरामिक इमेजिंग जो अगर अल्ट्रासाउंड मशीन ऐसी मशीन है देन तो वो पूरा का पूरा इमेज एक ही हमें गो के अंदर जो है एक ही इमेज के ऊपर जो है वो पूरा नजर आ सकता है, और अगर नहीं आया तो फिर हम लोग उनको इस तरह डिफरेंट इमेजेस को लेके ज्वाइन कर सकते हैं और उनको प्रॉपर इस तरह देख सकते हैं. इफ द सिम्टम्स परसिस्ट और द सिस्ट इज वेरी लार्ज, सर्जिकल एक्सीजन इज एन ऑप्शन. ठीक है. डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या है, लार्ज पैरामेनिस्कल सिस्ट भी हो सकती है और लिक्विफाइड हिमाटोमा इन द पोपलिटियल रीजन. दीज आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस विद द बेकर सिस्ट. अच्छा, मेनिस्कस सिस्ट क्या होती है, हमें पता है कि उसके साथ मेनिस्कस होते हैं हमारे लेटरल और मीडियल जो कि हमारे टिबिया बोन के ऊपर हमारे पास मेनिस्कस एज अ कुशनिंग इफेक्ट दे रहे होते हैं. ठीक है. समटाइम्स इन केस कि मेनिस्कस के अंदर हमें फ्लूइड मिल रहा है वो एक सिस्ट बना देते हैं दोनों साइड्स के ऊपर, तो वो हमें मिसलीड कर सकते हैं कि ये जो है मे बी पोपलिटियल सिस्ट है या बेकर सिस्ट है. बट मेनिस्कस मोस्ट प्रोबेबली हमारे जो है वो लेटरल या मीडियल साइड पे ही हो सकती है. ठीक है. अगर मीडियल मेनिस्कल सिस्ट है तो वो मीडियल साइड पे होगी, लेटरल मेनिस्कल सिस्ट है तो वो लेटरल साइड पे होगी. अदर नी बर्साइटस आर प्री पटेलर एंड इंफ्रा पटेलर बर्साइटस. प्री पटेलर बर्साइटस इज सुपरफिशियली लोकेटेड एंड इट मेनली पोस्ट ट्रामेटिक. इंफ्रा पटेलर बर्साइटस इज सुपरफिशियल. ठीक है. एंड डीप डेड पटेलर टेंडन एंड हॉफ पास फैट पैड. छोड़ दो ये बर्साइटस है सारे जो कि बर्साइटस हमें बताया था प्री पटेलर है, कुछ सुप्रा पटेलर जहाँ पे बरसात पड़ी अगर उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो दैट इज द बर्साइटस. ठीक हो गया. डीप इंफ्रा पटेलर बर्साइटस कैन कंप्लीट टेंडन एंड एंथीजियल पैथोलॉजी ऑफ दैट एरिया. एंथीसिस क्या होता है, इज द कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट एंड द बोन. ठीक है. ये डायग्राम एंथीसिस की. An important aspect to mention is that while no fluid is normally found in prepatellar bursitis, a small amount in deep infrapatellar bursa is common in healthy subjects. ठीक है, fluid in the infrapatellar bursa. ठीक है, सारे recesses और सारे जहाँ पे bursas हमें मिल रहे हैं उसके साथ साथ fluid को भी हमने देखना है, important नहीं है, बस छोड़ दो उसको. Bone and cartilage abnormalities क्या है, अब आज हम लोग के fluid और synovial वो चीजें देख ली है, अब आज bone या cartilage की abnormalities. Knee osteoarthritis is most common encountered disease among general population with a woman predilection. ठीक है, woman के अंदर बहुत ज्यादा common है ये arthritis. The most specific ultrasound sign for the osteoarthritis are the osteophytes. अब bony अब लोगों के अंदर अगर changes देखते हैं arthritis के अंदर तो उसके अंदर number one sign हमें osteophytes मिलते हैं in osteoarthritis. Osteoarthritis मैंने बताया था कि degenerative changes हो जाती हैं हमारे स्ट्रक्चर के अंदर, तो बोन्स को वो कैसे खराब करेगी, उसके अंदर ऑस्टियोफाइट्स बन जाएंगे. ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं, एक छोटी छोटी सी बोनी प्रोजेक्शंस होती हैं डिफाइंड एज अ स्टेप अप बोनी प्रोमिनेंसेस एट द एंड ऑफ द नॉर्मल बोनी कॉन्टूर और एट द मार्जिन्स ऑफ द जॉइंट सीन इन टू परपेंडिकुलर प्लेन्स विद और विदाउट इक्विस्टिक शेडोइंग. ठीक है. इन द नी जॉइंट द प्लेस टू लुक फॉर ऑस्टियोफाइट इज द टिबियो फेमोरल जॉइंट. दिस इज एमसीक्यू. ठीक है, कि अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हमें ऑस्टियोफाइट्स देखने हैं तो मोस्ट प्रोबेबली टिबियो फेमोरल जॉइंट वाला एरिया जो है वो हम देखते हैं फर्स्ट फॉर द ऑस्टियोफाइट्स. ठीक हो गया. और ऑस्टियोफाइट्स क्या थे, इट्स अ बोनी प्रोजेक्शन जो कि छोटी छोटी सी प्रोमिनेंस हमें नजर आती है. अच्छा, फिर आगे इन एडवांस डिजीजेस ऑस्टियोफाइट्स कैन परमानेंटली कॉम्प्रोमाइज द जॉइंट स्ट्रक्चर. ठीक है, लीडिंग टू सेकेंडरी पैथोलॉजी. अब वो सेकेंडरी पैथोलॉजीज क्या हो सकती हैं, अगर ये बहुत टाइम से है, क्रॉनिक है, देन वो लीडिंग टुवर्ड्स द सेकेंडरी पैथोलॉजी. लिगामेंटम रप्चर कर सकती है,
मेनिस्कल क्लेफ्ट्स या मेनिस्कल सिस्ट बन सकती है अगर ये बहुत टाइम से ऑस्टियोआर्थराइटिस है देन लीडिंग टुवर्ड्स द सेकेंडरी पैथोलॉजीज एंड वो क्या है सेकेंडरी पैथोलॉजीज दैट कैन रप्चर द लिगामेंट मेनिस्कल क्लेफ्ट और मेनिस्कल सिस्ट ठीक है The indication for the ultrasound is in the early stage of the disease, mainly for the diagnosis. ठीक है, early तो हम लोग detect कर सकते हैं. Number one है, fluid ज़्यादा हो जाएगा. Number two, bony अगर problem है तो bony अगर ultrasonographic देखनी है parents तो उसमें osteophytes बन जाएंगे. ठीक है, in advanced diseases हमने पढ़ ली हुई है कि कैसे हमारे capsule या meniscus को वो tear कर सकते हैं. लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी हुई है बहुत टाइम से क्रॉनिक है तो लीडिंग टूवर्ड्स सेकेंडरी पैथोलॉजी ये हमने पढ़ लिया अच्छा बोन की हो गई अब बोन के बाद आ गए कार्टिलेज कार्टिलेज एट द नी जॉइंट हैज अ थिकनेस बात करें वो नहीं पढ़ा जा रहा क्या है इसमें मुश्किल रीडिंग ही करनी है ये लेक्चर लटका रहेगा पूरा लेक्चर पढ़ो मैम फिर पढ़ने में भी बहुत मसला है 82 स्लाइड्स हैं कोई नहीं पूरा हफ्ता है ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है फिर हम लोगों ने आगे भी पढ़ने हैं दो लेक्चर इकट्ठे नहीं हम लोगों ने पढ़ने चुप करके टाइम क्या हुआ मेरे पास घड़ी नहीं है दस बज गए कितनी स्लाइड रह गई हैं 60 हैं आधी रहती हैं चलो फिर अगले लेक्चर में पूरा हाफ चल रहा है यस मैम नेक्स्ट चलो कर लेंगे यस मैम अच्छा चलो फिर ना पूरे रीड करके आना है इसमें कुछ मुश्किल नहीं है रीडिंग वाली चीजें हैं नॉर्मल क्या होता है और सिक्सटी पढ़ ली हमने 60 याद रखना 60 से जो है ना आगे हम लोग ये सारी नी जरा लंबा है इसलिए इसका लेक्चर थोड़ा मैंने इसलिए लंबा बनाया है इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है ठीक है तो यस सारा मैम मैंने आपसे एक वो वॉल्व वाला पूछना था वो जो आपने दोनों सिस्ट के बारे में था उसमें हाँ. एक वॉल्व वाला पॉइंट था वो बता दे और एक पैनोरामिक हाँ. इमेज दिखाई थी आपने उसमें हाँ. नेक कहाँ पर है नेक कहाँ पे है नेक अच्छा कुछ ऐसे हमारे पास इमेजेस होते हैं जो कि हम लोग डायनामिक इमेज मैंने बताया था कि हम लोग लाइव देख रहे होते हैं ठीक है समटाइम्स जो नेक होती है वो हमें उस व्यू के अंदर नजर नहीं आती है एक प्रॉपर वो तो मैंने एक इमेज दिखाया था कि इसके अंदर जो सिस्ट है हमारी इतनी बड़ी थी कि उसके लिए हम लोगों को दो इमेजेस को ज्वाइन करके सिस्ट को देखना पड़ रहा है ठीक है समटाइम्स मशीन के अंदर पैनोरामिक इमेजिंग होगा देन तो हमें रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन अगर अगर है पैनोरामिक इमेजिंग तो एक ही गो के अंदर हम पूरी सिस्ट को देख सकते हैं सिर्फ उस इमेज का मकसद ये था कि आपको बड़ी सिस्ट दिखा सकते हैं लेकिन जब नहीं मैम वो तो समझ में आ गई है लेकिन आपने बताया था कि बेकर सिस्ट है तो उसमें ना नेक का पूछना था कि वो कहाँ पर होगी जो ये देख रही हो यस मैम दिस इज द नेक ठीक है और दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका मैम वो वॉल्व वाला वो जो ऊपर स्लाइड है इससे ऊपर है ये वाली अच्छा वाल्व वाल्व आपको पता है ना वाल्व क्या होते हैं वाल्व हमारे पास जिस तरह हार्ट के अंदर होते हैं कि वो एक डायरेक्शन के अंदर हमारा फ्लो जाने देते हैं ठीक है दूसरी डायरेक्शन में अगर हमारा फ्लो जो है वो मूव करेगा तो वो उसको रोकते हैं Same like that, valve-like connection between the knee joint and the gastrocnemiomembranous bursa is present. ठीक है? उसमें क्या होता है कि fluid जो है ना वो जब हम एक direction में squeeze करता है, valve-like connection is present between the knee joint and the gastrocnemiomembranous bursa. ये एक valve है. बस इस जगह पे present है. और उसका क्या काम है? That will squeeze the fluid only in one direction. ठीक है 60 याद रखना अब ईद के बाद मैंने भी भूल जाना है इतनी सारी छुट्टियां आ गई हैं जी 10 मिनट है अभी और कुछ मैम बेकर सिस्ट और पॉपलिटियल सिस्ट सेम है इसमें बस नेक डिफरेंशिएट करेगी इन दोनों को और इनका साइज सिस्ट है दोनों नंबर वन पॉइंट एक तो हमारे पास आ गया कि दोनों फ्लूइड फिल है ठीक है और मेजर डिफरेंस नेक का हो गया कि पॉपलिटियल सिस्ट में नेक नहीं होती बेकर सिस्ट में नेक होती है पॉपलिटियल सिस्ट हमारे जो है वो
मीडियो पोस्टीरियल साइड पे होगी सिस्ट, ठीक हो गया, और उसका साइज उससे कम होगा, पॉपलीटियल सिस्ट का साइज बेकर सिस्ट से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हमारे पास जो था वो हमें पता है कि बेकर सिस्ट किस जगह पे होगी, दो जो एक टेंडर मेम्ब्रेन जो जगह थी उस जगह पे उसके दरमियान में होगी, ठीक है। मेन जो डिफरेंस है ना वो नेक का है, वो भी फ्लूइड फिल, वो भी हमें सिस्ट अपीयरेंस दे रही है, एक नेक और एक राउंड स्ट्रक्चर पॉपलीटियल सिस्ट और उसके दरमियान का होना, ठीक है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने नी ज्वाइंट की मतलब आर्थराइटिस के अंदर जो मेनली दो प्रॉब्लम्स आती हैं पेशेंट कंप्लेन के साथ, एक तो ज्वाइंट इफ्यूजन बहुत ज्यादा आप अल्ट्रासाउंड पे देखोगे पेशेंट नी ज्वाइंट के अंदर, ठीक है। नी ज्वाइंट का अगर अल्ट्रासाउंड करोगे तो ये ज्वाइंट इफ्यूजन बहुत ज्यादा कॉमन है, साइनोवियल हाइपरट्रॉफी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और टीयर्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी चीजें अगर आर्थराइटिस अगर बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं टाइम से है, क्रॉनिक था, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, बोनी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, ऑस्टियोफाइट्स बन जाएंगे, ठीक है। ये आपको अल्ट्रासाउंड पर डिटेक्ट करने आनी चाहिए, अल्ट्रासोनोग्राफिकली हमें ये चीजें किस तरह नजर आती हैं, ठीक है। वैसे कोई मुश्किल ही करेगा मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड, हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत कम मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं, और वो भी कोई एडवांस वाले लोग ही कर रहे हैं, बहुत कम हो रहा है, ठीक है। एक्सपीरियंस लोग जो है ना वो इस पे कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, जो स्लाइड नहीं पढ़नी वो आप निकाल देंगी? क्यों निकाल दूंगी, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगी मैम। मतलब आपने कहना कि ये छोड़ दो, जैसे बीकर सिस्ट की हिस्ट्री थी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब उसको निकाल दो, इम्पोर्टेंट नहीं है का मतलब है कि आपको थोड़ी सी पता तो होनी चाहिए ना उसके बारे में चीजें, कुछ हिस्ट्रीज वगैरह होती हैं, ठीक है, वो मैं कहती हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कि ये इसका दैट डजंट मीन कि आप उसको निकाल ही दो बेचारे को। अब बुक के अंदर इतनी बड़ी बुक होती है, मैं बुक रीडिंग इसीलिए आप लोगों को कहती हूँ, बुक्स पढ़ा करो, तो उसके अंदर इतना डिटेल होती है, इतनी चीजें वो हमारी क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रहे होते हैं ना, समटाइम्स कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनको हम हाईलाइट कर लेते हैं, बाकी चीजें हम निकाल थोड़ी देंगे, बट वो आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर रही होती हैं, निकालना क्यों है बेचारों को। हमारी स्लाइड जितनी ज्यादा मजे की बनी हुई है, 107 स्लाइड है मैम। यस मैम, मैंने ना लास्ट दोनों जो क्लासेस थी मैम मैंने ली थी, और मतलब थोड़ा नेट इशू था, लेकिन मैम मैंने क्लास ली थी, अब मैं पोर्टल चेक कर रही थी तो मेरी दोनों पे एब्सेंट थी, दोनों पे मैम अपने एब्सेंट किया हुआ था, इनफैक्ट सारी क्लासेस पे एब्सेंट किया हुआ था। अच्छा, फिर मैं भी आपका टाइम ना कम हो, आपने मैम इधर होता है मे बी नेट इशू तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मैम मैंने क्लासेस दोनों ली थी, आप रिकॉर्डिंग दोबारा एक दफा देख लीजिएगा, पता नहीं दोनों मेरे पास ना आपके टाइम कम हो रहा होगा, एक दो मिनट के मेरे पास कुछ एक दो मिनट वाले भी ऑनलाइन आते हैं, उनके एब्सेंट भी लगती है, शायद आपका टाइम कम होगा, अगर नहीं अल्लाह तो चेंज हो सकती है, उससे पहले की चेंज नहीं हो सकती, मैं देख लेती हूँ उसकी लास्ट लेक्चर मैम, चारों मैंने मतलब पहले चेक नहीं किया पोर्टल, तो वो चारों एब्सेंट हुई थी, इनफैक्ट 5th मार्च को तो मेरे ख्याल से नेट भी ठीक था, आप एक दफा रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इस क्लास की भी एब्सेंट थी, और मैम जो मैम कल क्लास होती है उस पे भी मतलब एब्सेंट था, हालांकि मैंने मतलब दोनों ली थी। ये हो सकता है आपने बेशक क्लास ली हो, लेकिन जूम के ऊपर मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि जूम का हम लोग जो हमारे पास रिकॉर्ड होता है ना मैं तो वहीं से लगाती हूँ, मेरे पास जो प्रेजेंट आ रहे होते हैं उनके नेम शो हो रहे होते हैं, ठीक है, वो नेम शो हो रहे होते हैं, उनका टाइम शो हो रहा था कि इतने मिनट के लिए उसने क्लास ली, तो जिनका नेम शो हो रहा था मैं तो वहां से बस प्रेजेंट लगाती रहती हूँ आपके पोर्टल के ऊपर, ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो कि आपका नाम ना शो हो रहा हो स्टार्टिंग से। यस मैम, इनफैक्ट कल वाली क्लास में ना मेरी फ्रेंड कह रही थी कि तुमने क्लास नहीं ज्वाइन की, बट काइंडली एक दफा आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने क्लासेस ली हैं दोनों ही और वो दोनों एब्सेंट हैं। तो आपने क्लास ज्वाइन की होती है लेकिन आप यहाँ पे प्रेजेंट शो नहीं कर रही होती। अच्छा कल फिर मैं, यस मैम फिर मैंने कल ना आवाज बहुत कट रही थी तो वो शो नहीं हो रहा था, फिर मैंने एक दफा एंड करके दोबारा मीटिंग ज्वाइन की थी, फिर वो ठीक हो गया था। ठीक है,
मुझे पता है नेट इश्यूज की वजह से मैंने इसकी कोई असेसमेंट्स भी नहीं रखी है. ओके थैंक यू. ठीक है, इसमें कोई आपका नहीं है अटेंडेंस की इतनी फिक्र ना किया करो. मासूमा की तरह, मासूमा मुझे आपका स्टेटस याद आ गया. मासूमा आ जाइए. कौन सा मैम? जब टीचर ने कहा कि अटेंडेंस के तो मार्क्स ही नहीं है, याद आया? यस मैम. हाँ तो वो चक्रों में तुम लोग भाग मत जाना कि असेसमेंट्स नहीं है अटेंडेंस की तो सारे एब्सेंट ही होना शुरू हो जाओ. ठीक है, ये सिर्फ ऑनलाइन जो चल रहा है ना लेक्चर, उसकी वजह से हम लोगों ने ये नहीं रखी, बिकॉज सब किसी का वाकई वैलिड रीजन होता है. नेट का इशू हो गया, लाइट का इशू हो गया, तो इस तरह ज्यादती हो सकती है किसी के साथ, तो वो फिर हमने असेसमेंट्स निकाल दिए. वरना आपकी पता ही है कि 5-10% आपके अटेंडेंस के भी होते हैं मार्क्स. मैम तो शॉर्ट अटेंडेंस भी नहीं होंगे बच्चे? नहीं, वो तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जब देखेंगे एग्जामिनेशन में कि वो बैठने देते हैं कि नहीं है, शॉर्ट अटेंडेंस जब हो जाती है मोस्टली तो बिल्कुल ही जीरो हुए होते हैं ना उनके, तो फिर देखना पड़ता है ना. लेकिन मैं नहीं करती, मेरे पास हैं सारे, तो मैं शॉर्ट अटेंडेंस कम ही करती हूँ. मुझे पता है इस जो है ना कोविड के अंदर कितनी प्रॉब्लम है. ठीक है बेटा, आप लोगों की मेरे ख्याल 10 बजे क्लास है. अब आप कह रहे होंगे कि मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाऊँ अपना नेक्स्ट क्लास. अब इंशाल्लाह जो है ईद के बाद मिलेंगे. एडवांस सबको ईद मुबारक. हाँ जी मैम, लास्ट लेक्चर में एक इमेज में लैटरल को लैटरल लिगामेंट जो है वो शो किया हुआ था, तो मैम उसके नीचे लैटरल मेनिस्कस के नीचे जो बोन थी वो टिबिया उसे लेबल किया हुआ था, तो मैम वो फिब्यूला नहीं होगी? हाँ जी, वो मैंने आपको मेरे ख्याल लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि आप बस ये चीज देखो, आप लेटरल या मीडियल को छोड़ दो, क्योंकि हम प्रोब पता नहीं होता किस साइड पर रखी होती है. ठीक है, तो लेटरल साइड की अगर है तो लेटरल साइड पर तो फिबुला होगी, और जो हमारी मीडियल साइड की होगी वो टिबिया होगी. ठीक है, तो वो उसको छोड़ दो कि लेटरल साइड है. बस आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं मेंशन करूं कि लेटरल साइड आपने बतानी है या मीडियल साइड बतानी है, देन आपने बोन्स को बताना है. अदरवाइज आप ये बोल दो कि फीमर या फिर स्लैश डाल के दोनों बोन्स लिख दो. ठीक है, अगर आपको साइड क्लियर नहीं है, जब मैं अगर लेबलिंग के लिए दूं ना आपको, अगर लेबल देन वो मुझे पता है उसके अंदर उन्होंने बताया कुछ हुआ, लिखा कुछ हुआ, तो ये होता है समटाइम्स जब हम इमेज कर रहे होते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कौन सी साइड है. ठीक है, ये जब हम होते हैं लाइव स्कैनिंग कर रहे होते हैं, जब हमने प्रोब रखी होती है जिस साइड पे, उस पे हमें पता चलता है. ठीक है, ठीक है बेटा, आप लोग एंजॉय करो अपनी ईद को, और इंशाल्लाह ईद के बाद ही आज की अटेंडेंस हो गई है लगाने लगी हूँ. आप लोग लेक्चर से हटोगे जब जाओगे तो मेरे पास रिकॉर्ड सारा आ जाता है, वो मैं फिर अटेंडेंस लगा लूंगी. ठीक है मैम, चलो ठीक है, ओके, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज. मैम आपको भी ईद मुबारक. हाँ तुम तो ईद ही ना, मुझे सही है.